नमस्कार दोस्तों, टेकोटेक में आपका स्वागत है। मैं हूँ संदीप। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं निधि रूल्स के विषय में। इसके विषय में अभी मैंने वीडियो बनाई है, तो उस वीडियो को आप देखिए, क्योंकि निधि रूल्स को जब तक आप समझेंगे नहीं, तब तक आपको काफ़ी सारे प्रॉब्लम होंगे, आप अपनी कंपनी नहीं चला सकते। और यहाँ पास आपसे सबसे जो जरूरी बात आपसे ये बताना चाहूँगा कि अगर आप कंपनी चला रहे हैं तो उसके जो कंप्लाइंसेस है उसको आप बिल्कुल ही मतलब कंप्लीट कीजिए। अगर कंप्लीट आप नहीं करते हैं तो कहीं बहुत हेवी पेनल्टी होती है। मैंने लगभग लाखों लाखों रुपए की पेनल्टी जो है लोगों का मतलब फाइलिंग किया है। और इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप थोड़ा सा अगर काम कर रहे हैं तो उसके हिसाब से काम कीजिए, ताकि आपको पेनल्टी नहीं हो। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इसके पहले मैंने जो निधि रूल्स 1, 2, 3, 4 इस चारों रूल्स के विषय में वीडियो बनाया है, तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं। वो लिंक जो है आई बटन में होगा या लास्ट एंड स्क्रीन पे होगा, और आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम लोग अभी देखेंगे कि निधि रूल्स क्या है। निधि रूल्स 5 नंबर जो 5th रूल है वो क्या है आज के दिन में, और इसके विषय में आपको डिटेल से जानकारी देंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि निधि रूल्स क्या है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, यहाँ पास हम लोग अपने डिस्प्ले पे आ गए हैं, कंप्यूटर स्क्रीन पे आ गए हैं, जिसमें बताया गया है निधि रूल्स के विषय में। तो यहाँ पास आप निधि रूल्स का ये 5वां नंबर रूल्स है। अगर स्टार्टिंग से देख, यहाँ से आप देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर सहायता कुछ है, ये पूरा PDF ही है, जिसमें मैंने 1, 2, 3, 4 बताया था। अभी जो 5वां नंबर है उसको मैं आपके सामने बताने जा रहा हूँ। तो जो 5वां नंबर रूल बहुत ही आपके लिए बहुत जरूरी है कि आपको क्या क्या करना है आपकी कंपनी बनाने के 1 साल तक। तो यहाँ पास सबसे पहली जो बात है वो मैं यहाँ पास आपको बताना चाहूँगा कि दो चीज़ें आएगी आपके पास कि फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, जैसे मैं यहाँ पास आपको बता दूँ कि फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, ये बात आपको जानना चाहिए। और फाइनेंशियल ईयर और साथ में जो कैलेंडर ईयर क्या होता है, तो आपको पता है कि फाइनेंशियल ईयर का मतलब होता है मार्च 31 में फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, ख़त्म होता है। और स्टार्ट कब होता है, 01 अप्रैल से स्टार्ट होता है। तो जो भी पैसों का लेन देन का हिसाब होता है वो सब कब से कब तक होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, ठीक है। तो ये पहली बात आप ध्यान रखिए। दूसरी चीज क्या है, कैलेंडर ईयर का मतलब होता है 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक, ठीक है। तो ये जानने के बाद अब हम लोग यहाँ पास आगे जाएंगे और देखेंगे कि हम लोग को जो निधि रूल्स के जो 5वां नंबर नियम है क्या बोलता है। इसको मैंने इसलिए बताया क्योंकि ये टर्म्स अभी आपको इस्तेमाल होंगे। तो सबसे पहला ये एक एग्जांपल ले लेते हैं कि कोई भी निधि कंपनी अगर मान लीजिए बनती है, कोई भी निधि कंपनी अगर बन रही है तो उसको 1 साल में क्या बोला गया है, देखिए, एवरी निधि सेल विद इन ए पीरियड ऑफ 1 ईयर, माने जब भी आपकी कंपनी बनी है उसको अपने 1 साल के अंदर जो है क्या क्या कंप्लीट करना है। तो सबसे पहला है कि आपको अपनी कंपनी का, जब से आपकी कंपनी बनी है मतलब आप समझ लो डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ठीक है। तो यहाँ से आपको अपनी कंपनी में 1 साल के अंदर 200 मेंबर बनाने हैं। आपकी कंपनी का जो नेट ऑन फंड है, नेट ऑन फंड क्या है, इसके पहले के वीडियो में आप देख सकते हैं। यहाँ शॉर्ट में आपको बता दूं कि जो आपकी कंपनी का जो पेड अप कैपिटल है, ठीक है, वो आपके 10 लाख से 10 लाख होना चाहिए। इसके अलावा जो तीसरा पॉइंट दिया है कि अनकम्पर्ड टर्म डिपॉजिट, माने आपने जो भी डिपॉजिट लिया, यहाँ बहुत ही सिंपल भाषा का इस्तेमाल करूँगा ताकि आपको समझ आए, जो भी डिपॉजिट लिए हैं उसका 10% आपको किसी गवर्नमेंट या किसी कमर्शियल बैंक में होना चाहिए, कमर्शियल बैंक में जमा होना चाहिए, या फिर किसी भी पोस्ट ऑफिस में आप उसको जमा कर सकते हैं। तो ये होना चाहिए आपके पास। और इसके बाद बोला गया है कि जो आपके रेशियो ऑफ नेट ऑन फंड जो है वो 1:20 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब कि अगर आपका कैपिटल है 1 साल में 10 लाख रुपए, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मतलब आप 2 करोड़ रुपए का ही आपके पास डिपॉजिट होना चाहिए, उससे ज़्यादा
नहीं होना चाहिए। तो ये इस चीज को बहुत ही जरूरी है समझना, अगर नहीं समझेंगे तो फिर आगे चल के आपको जो है मतलब आपके सवाल रह जाएंगे। मुझसे एक जन ने पूछा भी था कि सर ये नेट मतलब मैं कितना पैसा ले सकता हूँ, क्योंकि मेरी कंपनी में कोई 5 करोड़ रुपए जमा करना चाहता है। मैंने उससे यही कहा कि आपकी जो कैपिटल है 10 लाख रुपए है, तो आप 5 करोड़ रुपए जमा कहाँ से लोगे? तो आप ऐसी गलती मत करना, और होती है क्योंकि यहाँ पास अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि NDH फॉर्म, NDH 1 जो है फॉर्म है उसमें ये सारी बातों को लिखा गया है, सारी बातों को। तो आप ऐसा मत समझो कि आप अगर कुछ भी झूठ भी बोल दोगे तो वो चलेगा। अभी NDH 1 फॉर्म भी आपको दिखाऊंगा, ठीक है, जिसमें कि ये सब बातें दी गई। तो इसका जो सब सेक्शन जो सेकंड नंबर बताया गया है कि आपको NDH 1 फॉर्म भरना है। NDH 1 फॉर्म कब भरना है? तो ये NDH फॉर्म बहुत ही जरूरी है। आपकी कंपनी में अगर आप नहीं भरते हैं NDH 1 फॉर्म तो आपको कहीं ना कहीं पेनल्टी होती है। तो ये पेनल्टी कितनी होती है, इसको डिस्कशन करने से पहले मैं आपको पहले ये बता दूं कि NDH फॉर्म भरते कब है। तो जब कभी भी आपका जो फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर है, जब कभी भी आपका फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर से ख़त्म होने के बाद, पहली फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होती है, तो उसके बाद आपको 90 दिन का टाइम दिया होता है NDH 1 फॉर्म को भरने के लिए। तो आप यहाँ पास देख सकते हैं विद इन 90 डेज फ्रॉम द क्लोज ऑफ द फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर, माने आपके जो फाइनेंशियल ईयर है वो ख़त्म होता है, तो उसके बाद आपको 90 दिन का अंदर आपको NDH 1 फॉर्म भरना है, ठीक है, और एंड वेयर एप्लीकेबल द सेकेंड फाइनेंशियल ईयर। तो इसको अगर सपोज कीजिए ये NDH 1 फॉर्म में क्या क्या भरा जाता है, जैसे मैंने अभी आपको पहले कहा, तो NDH 1 फॉर्म में ये सारे डिटेल्स भरे होते हैं। पहले मैं अभी आपको NDH 1 फॉर्म भी दिखा देता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं हो, आपको भी मालूम चले कि NDH 1 फॉर्म में क्या क्या है। तो यहाँ पास हम लोग आ चुके हैं, देख सकते हैं आप स्क्रीन पे फॉर्म NDH 1। NDH 1 फॉर्म में देखिए आपकी कंपनी का नाम, कंपनी का रजिस्टर ऑफिस, ईमेल, फोन नंबर, ये सब कुछ दिया हुआ है। नंबर ऑफ सब्सक्राइबर, मैंने आपकी कंपनी को 7 लोगों तो मिलकर स्टार्ट करते हैं, अगर इससे ज़्यादा है तो भी आप यहाँ पास आपको लिखना है। नंबर ऑफ मेंबर्स एडमिटेड, मतलब जब से आपकी कंपनी बनी है तब से आपके कितने मेंबर्स है, सिंस डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन अप टू द एंड ऑफ फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर, मैंने जब से आपकी कंपनी बनी है और तब से जो आपका पहला फाइनेंशियल ईयर है उस तक कितने मेंबर बने हैं। तो जो मेंबर की बात मैंने कहा है कि 200 मेंबर बनाने हैं, तो वो 200 मेंबर का डिटेल्स यहाँ पास आपको देना है कि हमारी कंपनी में इतने मेंबर्स बने हैं। इसके बाद आपको बोला गया है कि नंबर ऑफ पर्सन हु हैव सीज टू बी मेंबर, मतलब कि बहुत से लोग मान लीजिए आपसे की कंपनी के मेंबर बने हैं, उसके बाद उन्होंने आपको लोन लिया, चुका दिया या कुछ भी कहा से मेंबरशिप ख़त्म कर दिया, तो वो उन लोगों के यहाँ पास नंबर लिखना है, ठीक है। इसके बाद आपको लिखना है नंबर ऑफ मेंबर एट द एंड ऑफ द फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर। तो जितने लोग टोटल मान लीजिए आपके कंपनी में 100 लोग आए और उसमें से 5 लोग हट गए, 5 लोगों ने मेंबरशिप से रिजाइन दे दिया या शेयर वापस कर दिए, तो जो 95 आपके पास बचे, तो इस ये आपके मेंबर का डिटेल्स लिखना है, जो कि आपके निधि में अभी आपने देखा था कि 200 मेंबर कैसे बनाना है। इसके बाद आपसे पूछा भी गया है, देखिए कि आपने अपनी फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर में 200 या इससे ज़्यादा बनाया है कि नहीं। अगर आपने बनाया है तो यस हो जाएगा, अगर नहीं बनाया है तो नो हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि आपने नहीं अभी तक बना है, तो यहाँ पास नेक्स्ट अभी हम लोग देखेंगे कि नेक्स्ट मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। हाँ कि देखिए अगर आपका पास ये जो सबसेक्शन 3 है कि अगर आपने इन सारे कामों को नहीं किया, मेंबर नहीं बना, नेट ऑन फंड नहीं हुआ या अनकंफर्ट डिपॉजिट नहीं हुआ, रेशियो ऑफ नेट ऑन फंड या NDH 1 नहीं भर पा रहे, तो आप NDH 2 भर सकते हैं। NDH 2 फॉर्म वो होता है, वो भी मैं यहाँ पास आपको दिखा देता हूँ कि आपके पास नहीं हुआ है तो आपको वो एक्सटेंशन, माने आपको एक्सटेंशन के लिए वो फॉर्म भरा जाता है कि हम लोग से ये काम नहीं हो सका है 1 साल में, तो आप हमें एक्सटेंशन दीजिए। एक फॉर्म किसको दिया जाता है, जो आप जो रीजनल डायरेक्टर है उसको दिया जाता है। तो ये आपको NDH 2 समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब यहाँ पास देखिए, इसके बाद आपका जो पेड अप इक्विटी है वो भी बोला गया है, ठीक है, उससे जितने लॉसेस है वो भी बताया गया है, अनकंपेयर टर्म डिपॉजिट ये भी पूछा गया है।
तो कोई भी ऐसी चीज नहीं जो नहीं छूटा, यहाँ तक कि जो रेशियो ऑफ नेट ऑन फंड हो भी, आपने आपने मान लीजिए 5 लाख, आपके पास मान लीजिए 50 लाख का डिपॉजिट है ना, आपका जो पेडअप कैपिटल है 10 लाख है, तो कितना हो गया 1:5। तो ये चीज यहाँ पूछा गया कि कितना आपने जमा लिया और कितना आपका कैपिटल है, उसका रेशियो भी आपको निकाल के देना है। उसके बाद यहाँ CSR डिक्लेरेशन है, तो कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो कि Rule No. 5 में बताई गई हो और उसको NDH-1 फॉर्म में फाइलिंग नहीं करना है, सभी चीजों को फाइलिंग करना है, सभी चीजों को। तो इसीलिए अगर आपने मान लीजिए अभी तक नहीं किया है तो आप इसको कर लीजिए, क्योंकि अगर नहीं कर देंगे तो कहीं ना कहीं आपको ये प्रॉब्लम आ जाएगा। और किसी कारणवश अगर मान लीजिए कि आपके पास नहीं हुआ है, तो आपको ये जो NDH-2 है, ये NDH-2 आपको फाइलिंग करना होगा। यहाँ पास NDH-2 का भी मैं फॉर्मेट आपको दे देता हूँ, यहाँ दिखा देता हूँ, देखिए यहाँ पास नीचे में NDH-2 का फॉर्मेट है जिसमें साफ लिखा हुआ है एप्लीकेशन फॉर द एक्सटेंशन ऑफ टाइम, माने आप यहाँ पास एप्लीकेशन दे रहे हैं किस लिए, टाइम का एक्सटेंशन के लिए। तो इसमें भी सेम चीज़ अपनी कंपनी का सारे डिटेल्स देना है और उसके बाद आपको ये एप्लीकेशन साइन करना है, तो इस सारा कुछ इसमें है। तो यहाँ पास हम लोगों ने अभी तक देख लिया कि दोस्तों ये NDH-1 भी देखा, NDH-2 भी देखा और साथ में जो रूल्स है उसको भी देखा। तो अगर आप चाहते हो कि चीजें मिल जाए, मतलब आपको जानकारी है, और तो उसके बाद अगर आपको कोई भी हेल्प की जरूरत होगी तो आप मेरे इस नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, ताकि आपको प्रॉब्लम कोई भी हो तो मैं उसमें एडवाइस दे सकूं। तो चलिए दोस्तों, अभी तक आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक्स करना मत भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई नहीं नेक्स्ट जो निधि कंपनी के रूल है उसके साथ। तब तक के लिए आपका दिन शुभ।